हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सभी को पता ही है कि दादी कुछ ना कुछ नया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते ही रहते हैं, इसलिए आज दादी पुरानी बैंगल और पुरानी सीढ़ी को यूज करके वॉल हैंगिंग बनाने वाला है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। और दादी ने ऐसा वॉल हैंगिंग बनाया है कि लगता ही नहीं है कि ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। वैसे तो दादी ने सभी सीढ़ी ऐसे डेकोरेट करके रखी दी है, तो अभी वीडियो के लिए दादी ने दो सीढ़ी बाकी रखी है दिखाने के लिए, जो कि दादी अभी डेकोरेट करेंगे। सब पेपर लेने का है, ये ग्लिटर पेपर है ना, ग्लिटर और वो भी स्टिकर वाला है, स्टिकर वाला। तो डायरेक्टली वो दादी सीढ़ी पे चिपका देंगे। दादी अभी तो अभी सीडी का जमाना चला गया, अभी आपको धीरे धीरे सीडी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? सीडी है मेरे पास और बहुत लोग ने बोला आपको सीडी मांगता है, सीडी मांगता है, मेरे वही तो मेरे पास बहुत है, 200 सीडी का। दादी के स्टॉक में बहुत है, दादी का स्टॉक कभी खत्म होता ही नहीं है। ये काटते वक्त थोड़ा चिपकेगा दादी, फिर ये ग्लिटर पेपर निकलता तो नहीं है ना? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, उस पर कांच लगाइए, ये वाला कांच। तभी दादी बॉर्डर पे ऐसे कांच लगाने वाले छोटे छोटे सा। दादी बहुत सारे वीडियो में सब पूछते हैं कि ये क्या ग्लू से अलग है क्या, ये जो आप गम यूज करते हो वो ग्लू ही है कि कुछ अलग है, फेविकॉल है? ग्लू है ऐसा, वो कौन आता है उसका, लेकिन ये फेविकॉल तो नहीं है ना? नहीं, उससे अलग ही है, अलग है। और ये स्पेशली ये सब बनाने के लिए मिलता है ना, चिपकाने के लिए? ये साड़ी में, ड्रेस में चिपकाते हैं ना स्टोन, इससे चिपकाते हैं। अच्छा, तो इसका अलग ग्लू आता है, वो धोने से भी नहीं निकलता है। अच्छा, बराबर। तो ये कांच तो लग गया अभी, ये बीच में बराबर बीच में लगने का है, बड़ा कांच। तो ये बैंगल दादी ने पहले से बना के रखी है। हाँ, दादी ने पहले भी वीडियो में ये बैंगल का डेकोरेशन शेयर किया था। हाँ, तभी वाला, हाँ उसमें दिखाया है, इसलिए मैंने बना के रखा है। तो आपको आगे की वीडियो में दादी सीढ़ी के और एक वॉल हैंगिंग बनाने वाला है, वो किससे बनाने वाला है दादी? सीढ़ी और प्लाई का, प्लाई का, तो उसमें ग्लिटर वाला ही रहेगा वो? नहीं, स्क्वायर आएगा, ट्रायंगल और गोल वाला सीढ़ी, सीढ़ी उसमें वो वेलवेट लगाएंगे। अच्छा, वो रहेगा वेलवेट वाला, तो उसका भी वीडियो हम बहुत जल्द शेयर करेंगे। वेल्यूट वाला तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जितने भी वॉल हैंगिंग है वो हम मेजरली दिवाली में ही घर पे लगाते हैं, तो जितने भी मेहमान घर पे आते हैं वो बहुत तारीफ करते हैं कि वॉल हैंगिंग बहुत ही अच्छा बना है। जो पहली बार हमारे घर पे आते हैं उन्हें, जिनको नहीं पता कि दादी ये सब बनाता है, उनको तो ऐसे लगता है कि किधर से लाए आप, हमें भी पता होता है, फिर हमको समझाना पड़ता है कि ये तो दादी ने बनाया घर पे। वो भी ग्लू गन से लगाना पड़ता है, ये दोनों बैंगल दादी ग्लू गन से लगा रहे हैं, क्योंकि वो ग्लू सिर्फ स्टोन्स के लिए है। ये जो स्टोन है, मोती है, वो सब आपने वो ग्लू से लगाया ना? ये मोती तो सुई धागे से लगाया है। अच्छा, सुई धागे से। तो अभी दादी येलो स्टोन लगा रहा है, गोल्डन मेरे को जो चमकता है बहुत अच्छा लगता है सादा सीधा नहीं अच्छा लगता।
मंदिर में और चमक ही अच्छा लगता है। दादी को कुछ भी डेकोरेट करने बोल तो दादी के पास कोई ना कोई आइडिया तो रहता ही है, या फिर वो मंदिर में हो, घर में हो, किधर भी हो, किसी घर पे कोई फंक्शन होता है तो भी दादी को बुलाते हैं डेकोरेशन के लिए। तो भी 5 मिनट पहले एकदम सिंपल सीढ़ी थी, दादी ने एकदम चेंज कर दिया डेकोरेट करके, अभी लगता ही नहीं वो सीढ़ी थी। ये झुमका लगा है ना, इसमें ऐसे लगाऊंगी। अच्छा ये वाले, हाँ इसमें अभी ये वाला है मेरे पास, ये वाले में अलग, दूसरे में ये वाला लगा। ये कैसे बना है मैं दिखाती हूँ। ठीक है, वो कलर अलग है लेकिन बनेगा वैसा ही। तो मैंने बहुत साल से बनाए रखा है ये वाला। हाँ ये वाला झुमका सब बहुत सारा बनाया था, झुमका स्टॉक में पड़ा था सब, लेकिन दादी फिर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वापस बना देते हैं। ये 6 मोती लेने का है बोल रहे। लंबा बना है तो ज्यादा मोती लेने का है, ये छोटा बना है 7 मोती लिए है, एक गोल्डन, एक 7 मोती लिए, बाद में एक गोल्डन, एक ग्रीन, फिर गोल्डन। ऐसा लेके ऊपर तक सोई निकालेगा वापिस। रेडी हो गया। रेडी हो गया। ऐसा आपके बना के रखा है कि बनाना बाकी है? नहीं ये सब बना है ना, अलग अलग रहा है, ये सब मैं लॉकडाउन में बनाया था बैठे बैठे। तभी ये वाले में जो आप लगाने वाले हो पिंक लगाओगे कि ग्रीन? नहीं ये पिंक, ग्रीन अच्छा, तो पिंक बनाना पड़ेगा। हाँ ये बनाया हुआ। अच्छा, आपने दिखाने के लिए सिर्फ? हाँ बनाया। ओके तो अभी दादी ने जो जितने भी बनाए हैं सर्कल्स उसको जॉइंट करेंगे, उसके लिए भी अलग मोती है। ये गोला कैसे बनाती है वो भी दिखाया मैंने वीडियो में, एक वीडियो में दादी ने पहले के वीडियो में ये भी दिखाया था ये कैसे बनाता है, तो यही दादी ये वॉल हैंगिंग में भी यूज करने वाला है। हम ज्वाइंट करेंगे, ये झुमका लगाने के लिए। हाँ पहले ये बारीक मोती लेने का है थोड़ा। दादी ने इसमें अलग झुमके यूज किया और इसमें अलग झुमके, ये मोती आएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा ऐसा। इसमें तो ग्रीन मोती नहीं है, इसमें मैं कलर मोती लेंगे।
ये आपने सीढ़ी में होल किया हुआ है दादी? हाँ होल किया, एक बार दिखा है होल कैसे बना लगा के। अच्छा एक फिट हो गया, वो दूसरा लगा रहे। पहला वाला आपने नीचे से ऊपर बनाया था, अभी ऊपर से नीचे उधर गाट नहीं लगा है, इधर से इधर लिया था। अच्छा, धागा डायरेक्ट लिया इसलिए। अच्छा इधर ही गांठ मार देना है। तो भी ये लटकन रेडी हो गया है नीचे का, अभी ज्वाइंट करेंगे दूसरी सीढ़ी।